कोरोना वायरस को लेकर जहां एक तरफ पूरी दुनिया एकजुट होकर लड़ रही है, वहीं प्रदेश में आरोप है कि प्रत्यारोप की राजनीति फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी नेता लगातार सरकार पर राहत सामग्री वितरण को लेकर सरकार पर भेदभाव का यहां पर आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर से बेगू से कांग्रेस विधायक राजेंद्र विधुड़ी के राहत सामग्री वितरण को लेकर वायरल हो रहे वीडियो को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक के वायरल वीडियो ने यह साबित कर दिया कि सरकार पर भेदभाव के आरोप बेबुनियाद नहीं है। पूनिया ने इस पर यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राहत सामग्री वितरण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे संकट के समय में राहत कार्यों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोरोना संकट के चलते राज्य सरकार पर राहत कार्यों के भेदभाव के आरोप बेबुनियाद नहीं है, ये साबित किया है कांग्रेस पार्टी के बेगू के विधायक ने, जो राशन वितरण के लिए एक उत्सव जैसा माहौल बनाते हैं और उसके बाद मंच से जिस तरीके की हरकत करते हैं, राजनीतिक तौर पर वो भेदभाव का एक बड़ा प्रमाण साफ तौर पर दिखाई।